दोस्तों आपने भगवद गीता तो बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारी टाइप के जो भगवद गीता है मार्केट में अवेलेबल है, पर क्या आपने कभी बोलने वाला भगवद गीता देखा है? अगर नहीं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास एक ऐसा भगवद गीता है जो होमा की तरफ से आता है, जो टॉकिंग भगवद गीता है, और इसी तरीके के और भी बुक्स उनके पास है। तो ये जो है सेफ शॉप की तरफ से मिलता है, अवेलेबल है उनकी तरफ से। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि ये जो होमा का भगवद गीता है किस तरीके से काम करता है, इसमें क्या फीचर्स हैं और क्या क्या जो है हमें इसमें देखने को मिलता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं तकनीकी रोशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये रहा हमारे पास सेफ शॉप से आया हुआ भगवद गीता, www.safeshopindia.com में ये मिला है। और चलिए इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और जानते हैं कि इसमें कैसा गीता जो है हमें मिलता है। तो ये है दोस्तों हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी जो है पैकेजिंग देखने को मिलती है। सबसे पहले ये जो छोटा सा पैकेजिंग है इसमें हमें क्या मिलता है चलिए देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें मिलता है विजडम फ्लूट। और दोस्तों ये जो है हमारा मेन प्रोडक्ट है भगवद गीता, ब्लेस्ड इलस्ट्रेटेड सिंप्लीफाइड मल्टीलिंगुअल, यानी कि इसमें हमें तीन लैंग्वेज देखने को मिलता है, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। तो चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग और देखते हैं अंदर हमें कैसा देखने को मिलता है। वाओ, ये जो प्रोडक्ट है दोस्तों भगवद गीता बहुत ही सुंदर पैकेजिंग के साथ आता है। देखिए कुछ इस तरीके से, जैसे हमें नॉर्मल भगवद गीता रखने के लिए जैसे हमेशा रिकमेंड किया जाता है वैसे ही बहुत ही खूबसूरत पैकेजिंग के साथ आता है। चलिए इसको रखते हैं साइड में। और ये हमारा भगवद गीता हो गया। चलिए हम विजडम फ्रूट को निकाल के देखते हैं कि वो कैसा देखने में लगता है। और ये दोस्तों ये है हमारा विजडम फ्रूट। चलिए इसकी भी जो है फंक्शनैलिटी मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूँ, तब तक देखता हूँ इस बॉक्स में हमें और क्या मिलता है। इस बॉक्स में दोस्तों हमें एक चार्जर मिलता है जो कि नॉर्मल यूएसबी चार्जर, कुछ इस तरीके से हम उसमें लगा के इसको हम चार्ज कर सकते हैं। और दोस्तों हमें इसमें एक स्टैंड भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में, कुछ इस तरीके से हम इसको रख सकते हैं यूज़ करने के लिए। और दोस्तों ये जो पूरा है ये एक्चुअली प्लास्टिक मटेरियल है, बट देखने में जो है वुडन वाला फील आता है इसमें, तो ये भी देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए इन सबको रख। पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो भगवद गीता है मल्टीलिंगुअल है, संस्कृत हिंदी इंग्लिश तीनों में काम करता है। इसमें जो हमें मल्टी बटन्स जो है देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पे हमें, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें एक पावर ऑन ऑफ का बटन मिलता है। तो कुछ इसे इस तरीके से हम प्रेस करेंगे तो ये पावर ऑन हो जाता है। ये देखिए एक बार हम दबाएंगे तो पावर ऑन हो जाता है। और ये प्ले और पॉज का बटन भी इसी में दिया हुआ है। सेकेंड यहाँ पे हमें दोस्तों म्यूजिक देखने को मिलता है लिखा हुआ, जिसको हम दबाएंगे तो हमारी जो है आरती शुरू हो जाएगी। जय गणेश। और कुछ इस तरीके से इस बटन को दबा के हम इस म्यूजिक को जो है पॉज कर सकते हैं। साथ में दोस्तों हमें नीचे यहाँ पे माइक बटन भी देखने को मिलता है जो कि एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग का बटन है। इसको जो हम प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो इसमें सेव हो जाता है। फिलहाल हमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं किया तो नो रिकॉर्ड फाउंड बता रहा है। और दोस्तों यहाँ पे हमें ये हमें मिलता है बहुत अच्छा फीचर दोस्तों इसमें देखने के लिए कि हम अपना प्रोनंसिएशन जो है वो सही बोल रहे हैं कि नहीं, भगवद गीता में जो लिखा है उससे हम कंपेयर कर सकते हैं रिकॉर्डिंग करने के बाद। ये जो है प्लस और माइनस वॉल्यूम का बटन है, और जब हम ये गाना देखिए कुछ इस तरीके से हम जो है प्लस माइनस कर सकते हैं। और अगर हम थोड़े देर के लिए प्रेस एंड होल्ड करेंगे प्रीवियस सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा। और अगर हम प्लस को थोड़े देर प्रेस एंड होल्ड करके रखते हैं तो फॉरवर्ड जो है वो हो जाता है। तो ये फॉरवर्ड के लिए और ये प्रीवियस के लिए प्रेस एंड होल्ड करने पे। और यहाँ पे हमें एक LED लाइट ब्लिंक करती हुई दिखती है जिससे हमें पता चलता है कि ये जो है ऑन है और वर्किंग कंडीशन में है। तो इसका डिज़ाइन भी दोस्तों मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत प्यारा लग रहा है। तो चलिए इसको रखते हैं यहाँ पे और खोलते हैं भगवद गीता को। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिलता है गेट स्टार्टेड लिखा हुआ है।
तो इसका जो इसमें हमें एक सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर जो हमें कुछ इस तरीके से इसमें टच करना है, बस टच करना है, टच करते ही ये स्टार्ट होने हो जाएगा। अब पूरा जो है भगवद गीता हमें स्टार्ट हो जाता है। और दोस्तों इसमें हमारे जो बुक है हर एक पेज में, इसके हर एक पेज में जो है सेंसर्स लगे हुए हैं, आप कहीं पे भी टच कीजिए तो वो आपको जो है बोल के पढ़ के सुनाएगा। दोस्तों हमें यहाँ पे सैक्रेड पीपल ट्री लीफ यानी कि पवित्र जो है पीपल का पेड़ का एक पत्ता जो हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शुभ बना देता है इसको। तो चलिए हमें आगे जो है इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमें बहुत सारा जो है कंटेंट्स मिलता है, सारा श्लोक वगैरह जो है, ये हमारा इंडेक्स पेज है, इसमें हमें सारा जो है कंटेंट देखने को मिलता है। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों हम इसे यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हम इंट्रोडक्शन पर टच करते हैं, इंट्रोडक्शन, तो ये उसके बारे में बता देता है। और हम जस्ट तो बस हमें उस पर टच करना है और हमें पूरा पढ़ के सुना देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमें काफी सारे सेंसर्स यहाँ पे जो लोगो है इसमें मिल जाता है। जैसे कि अगर हम गणेश जी के ऊपर रखेंगे तो ये गणेश आरती शुरू कर देगा। जब हम इस पे रखते हैं तो ये जो है भगवद गीता शुरू कर देता है। अगर हम शंख के ऊपर रखेंगे तो ये जो है शंख बजाना शुरू कर देता है। चैप्टर 1 लिखा हुआ यहाँ पे हमें चैंटिंग देखने को मिलता है। अगर आपको जो चैंटिंग यानी मंत्र, अगर आपको मंत्र का उच्चारण करना है या चैंटिंग करना है तो जस्ट आपको यहाँ पे इस तरीके से रख देना है। ये जो है अपना चैंटिंग शुरू कर देगा। और बगल में जो एक और है इसको अगर हम रखते हैं तो ये जो है इंग्लिश में आपको समझाना शुरू कर देगा। और दोस्तों सबसे पहली बात, जो ये बुक है इतना कलरफुल है कि ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही अट्रैक्टिव लगता है। साथ में जो ये टॉकिंग का जो फीचर इसमें दिया हुआ है, ये तो उसमें और चार चांद लगा देता है। और पढ़ने का जो मज़ा है ये और भी डबल कर देता है। अगर आप इसे किसी अपने को गिफ्ट करना चाहते हैं तो ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बन के सामने आ जाता है गिफ्ट करने के लिए, खास करके माता पिता या जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनको देने के लिए तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन आप अगर किसी छोटे बच्चे को भी इसको यूज़ करने के लिए देंगे तो टेक्नोलॉजी के साथ जो एंटरटेनमेंट के साथ जो वो जो गीता का ज्ञान उस बच्चे को मिलेगा वो अपने आप में ही बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि आपके जो बच्चे होंगे उनको जो है गीता का सारा ज्ञान मिल जाएगा, फ़न के साथ लर्निंग मिल जाएगी। लर्न विद फन, जो जैसे कि मैं बताता हूँ हमेशा लर्न विद फन, वही चीज़ ये बुक हमें देता है। हम पढ़ भी लेंगे और हमें एंटरटेनमेंट के साथ, और ये जो काफ़ी कलरफुल जो पेपर्स हैं और ये जो क्वालिटी इसकी इतनी अच्छी है, और ये जो बोल के हमें जो सुनाता है इसमें, ये अपने आप में ही बहुत उमदा प्रोडक्ट बन जाता है। तो आइए धृतराष्ट्र का जो उवाच है उसे हम पढ़ के सुनाते हैं, उसको ये किस तरीके से बोलता है हम दिखाते हैं आपको। धृतराष्ट्र उवाच। दोस्तों ये हो गया संस्कृत में, ये हो गया हिंदी में, उसका जो ट्रांसलेशन है वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। Said, oh, Sanjaya, what did my sons and Pandu's sons? संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों इसमें जो मुझे सबसे अच्छी और खास बात लगी कि इसके जो पिक्चर्स है वो जी जाते हैं, मतलब जीते जागते फील हो जाते हैं। कैसे? जब आप इस फ्लूट को इसके ऊपर रखते हैं तो देखिए आपको क्या महसूस होता है। देखिए दोस्तों ये जो पिक्चर है इसमें एक जो व्यक्ति है उन्होंने तलवार लिया, वो हाथ में घुड़सवारी कर रहे हैं और किसी का जो है वध उन्होंने किया है। तो ये जो सारा पिक्चर है ये इसके म्यूज़िक के थ्रू हमें ऐसा फील कराता है कि जैसे हम वहीं पे प्रेजेंट है और सब कुछ हमारे आंखों के सामने हो रहा है। पूरा म्यूज़िक के साथ हमें जो है ये फील दिलाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कुछ इसी तरीके से दोस्तों अगर आप इस पर रखते हैं तो दोस्तों इसका जो हर एक पिक्चर है वो अपने आप में ही जी जाता है। जब हम अपने इस विजडम फ्लूट को उस पर टच करते हैं तो उस पिक्चर को ये जीता जागता हमारे सामने पेश कर देता है।
तो दोस्तों मैं तो काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ इस गीता से और इस जो विजडम फ्लूट है इससे। इसमें जो है पीछे यहाँ पे स्पीकर दिया हुआ और यहीं से जो है इसकी पूरी साउंड जो है बाहर आती है। तो बहुत देर तक अगर आप इसको हाथ में लेते और यूज़ नहीं करते हैं तो ये अपने आप ही बोल पड़ता है कि हे वेयर आर यू प्लीज़ यूज़ मी समथिंग लाइक दिस, ये जो है बोल देता है। तो देखिए यहाँ पर जो एक यहाँ पर एक 3.5 mm का जैक का पिन भी दिया हुआ है। तो आप जो है हेडफोन के थ्रू भी अगर आप चाहते हैं कि आप जो है आसपास और भी लोग हैं वो डिस्टर्ब ना हो तो आप यहाँ पे हेडफोन लगा के भी कान में यहाँ पे पिन लगा दीजिए और कान में अपना हेडफोन लगा लीजिए और ये जो वॉइस है यहाँ से ना निकल के आपके कान में ही डायरेक्टली सुनाई देगा। तो आसपास के जो लोग हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपको सिर्फ सुनाई देगा और आप जो है इस पूरा गीता का टॉकिंग गीता का जो है आनंद उठा सकते हैं। तो ये म्यूज़िक सुन के मुझे टीवी का जो है महाभारत याद आ गया। तो ये कर लगभग लगभग वैसे ही म्यूज़िक है तो मेरे को नॉस्टैल्जिया में लेके चला गया ये म्यूज़िक। दोस्तों वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि लास्ट में यही बोलूँगा मैं कि ये जो गीता मुझे दिखी है और ये जो इसका जो टेक्नोलॉजी मुझे दिखा है यार, मैं तहे दिल से बहुत ही खुश हुआ हूँ इस टेक्नोलॉजी के साथ। तो मैं कहीं ना कहीं इसको रिकमेंड ज़रूर करूँगा एज ए गिफ्ट। आप किसी को इसको दे सकते हैं या अपने घर पर स्वयं माँ बाप को दे सकते हैं या खुद भी रख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई इस गीता को देख के कि हमारे इंडिया में भी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमारे लर्निंग के एक्सपीरियंस को और भी बेटर डे बाय डे बढ़ा रहा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो टेक्नोलॉजी का ज़माना चल रहा है तो इस टेक्नोलॉजी के साथ हमारा जो लर्निंग का एक्सपीरियंस और हमारी जो पढ़ाई है बहुत ही अच्छी होने वाली है और गीता जो है गीता का जो नॉलेज है हमें बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो दोस्तों बस इस वीडियो में कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये भगवद गीता कैसी लगी। दोस्तों इस गीता की जो कीमत है वो है करीब करीब 11,000 रुपये सेफ शॉप पे। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जो टॉकिंग भगवत गीता है इसके बारे में जानने को मिला होगा और अच्छा लगा कि ऐसा कोई चीज़ है, कोई टेक्नोलॉजी है जो है हमारे मार्केट में अवेलेबल है हमारे लोगों के लिए, हम सभी के लिए, इंडिया में भी। तो दोस्तों अगर आपको ये भगवत गीता ख़रीदना है तो सेफ शॉप को ज्वाइन करें और या फिर आप डायरेक्ट भी वहाँ से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो डिजिटल मंदिर की घंटी है उसे दबाएं और टेक्निकल आशीर्वाद पाएं इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस के रूप में। और दोस्तों मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें @TechnikiRoshan, डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी आईडीज दे रखी हैं। और यूट्यूब पे एक और चैनल है उसका नाम है तकनीकी रोशन ब्लॉग, उस पर भी मैं आप लोगों को एंटरटेन करने के अपनी तरफ से ब्लॉग्स बीच बीच में लाता रहता हूँ। अगर आप लोग को उसमें भी इंटरेस्ट है तो मेरे उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ आपको अगले किसी ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ में, तब तक के लिए दिस इज़ रोशन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।